वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदेते। आप का जीवन कैसा भी हो लेकिन आप समर्थ के शरणापन्न हो, तो जैसे कलंकित चंद्र महादेव के शरण में आकर वंदित और पूजित हो गया, न केवल वंदित बल्कि उन्होंने शीश पर रख लिया उसे, चंद्रशेखर शशधर कहलाए। तो कोई स्वीकार कर ले अपने दोष, अपने पाप, अपनी भूलें, तब वो और अधिक सामर्थ्यवान बनता है। कोई एक बार ऐसे साहस करके आप प्राश्चित कर ले एक बार, जो आपको नहीं करना चाहिए था वो आपसे हो गया, जो आपको नहीं बोलना चाहिए था। तो प्राश्चित से शुचिता का संस्कार आता है। इसे कितने ही यज्ञ कर्म तो ऐसे हैं, अनेक यज्ञ आदि साधन जिसमें पहले शुचिता का संस्कार है, पहले प्राश्चित कराते हैं। सामान्य आपने पूजा में भी देखा होगा या आप स्वयं भी करते होंगे, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष। सब बाह्यांतर सुचि ही सुचि, ये बड़ा संस्कार है तपस्या का अथवा तो प्राश्चित का या कि प्रार्थनाओं का या परिष्करण का। और ये बड़ी निधि है, बड़ी संपदा है। ये ध्यान रहे परमात्मा की सबसे सुंदर श्रेष्ठ कोई अभिव्यक्ति है तो वो पवित्रता ही है। अगर आप पवित्र नहीं है तो लक्ष्मी को भी वो प्रिय नहीं लगता। समय प्रिय भगवान तो ऐसा कहते ही है, अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार। भगवान कहते हैं सब मेरे तो हैं पर थोड़ा पवित्र तो बनो, मन को ठीक तो करो, राग द्वेष रहित रहो। दीपावली पर हम करते क्या है, शुद्धि का संस्कार, पवित्रता का संस्कार। एक सामान्य स्नान करने के बाद कितना अच्छा लगता है हमको, मैले कुचैले कपड़े उतार कर स्वच्छ परिधान पहनकर कितना अच्छा लगता। स्नान के बाद तो कुछ और स्फूर्ति रहती है, वो चूंकि तन की पवित्रता हुई, एक वाणी की भी है, ऐसे एक मन की है। ध्यान रहे ये तीन जगह आपको शुचिता चाहिए। एक जिह्वा की सर्वाधिक अगर कोई शुद्धि और शुचिता और पवित्रता और एकाग्रता के लिए है साधन, तो वो शरीर से भी बड़ा जिह्वा है, वाणी की शुचिता चाहिए।